रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया। अब आपको जरा वो सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है वो भी आपको बता दें। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल, ये वो सम्मान है जिससे सम्मानित हुए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन के बहुत परम प्रिय मित्र, जिनकी दोस्ती की चर्चा आज पूरा विश्व कर रहा है, नरेंद्र मोदी और पुतिन। जी हाँ, प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति पुतिन को इस सम्मान के लिए धन्यवाद भी कहा और उन्होंने कहा कि 140 करोड़ की जनता यानी कि भारत की जो महान जनता है उसका ये सम्मान है, ये सम्मान मेरा सम्मान नहीं है। सदियों से भारत और रूस के बीच पुरानी दोस्ती का प्रतिबिंब है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और रूस के बीच विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त साझेदारी का ये सम्मान है। पीएम ने इसके आगे कहा कि पुतिन के नेतृत्व में पिछले 25 वर्षों में भारत और रूस के बीच जो संबंध हैं वो प्रगाढ़ हुए हैं, मजबूत हुए हैं और यही वजह है कि जब हम इसकी चर्चा करते हैं, जब हम इसके बारे में बात करते हैं तो दुनिया इस बात को समझती है कि जो एक साझेदारी है, एक समझदारी है इन दोनों ही राष्ट्रों के बीच में बड़ी मजबूत है। हम हर बार नई ऊंचाइयों को इन रिश्तों के जरिए छुएंगे। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और रूस के लोगों के बेहतर भविष्य की भी बात की। उन्होंने कहा कि सभी क्षेत्रों में संबंधों को मजबूत करना ये सर्वोच्च प्राथमिकता हमारी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और रूस की साझेदारी महत्वपूर्ण है और हमारा ये मानना है कि शांति और स्थिरता के लिए प्रयास लगातार जारी रहेंगे। हम इस दिशा में लगातार प्रयास कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। पुतिन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आपने दोनों देशों के बीच जो स्ट्रेटेजिक संबंधों की नींव रखी थी वो गुजरते वक्त के साथ और मजबूत होकर निखरी है और ज्यादा खूबसूरत हुई है। पीपल टू पीपल पार्टनरशिप पर आधारित हमारा ये पारस्परिक सहयोग हमारे लोगों के भी जो भविष्य हैं उस भविष्य की उम्मीद को और ज़्यादा गहरा करते हैं और उसकी एक गारंटी भी बन जाते हैं। रूस की यात्रा खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे ऑस्ट्रिया पहुंचे, जहां भी उनका बहुत भव्य और जोरदार स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री का रेड कार्पेट पर स्वागत होता है और यूरोपीय देश में प्रधानमंत्री का रेड कार्पेट के साथ वेलकम किया गया। ऑस्ट्रिया के विदेश मंत्री जो हैं अलेक्जेंडर शार्लिनबर्ग खुद पीएम मोदी की अगुवाई करते हुए नजर आए और एयरपोर्ट पर उनकी मौजूदगी दिखी। एयरपोर्ट से पीएम मोदी सीधे ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना के होटल रिट्ज कार्ल्टन पहुंचे, जहां पर प्रवासी भारतीयों ने उनका अभिनंदन किया, उनका स्वागत किया और होटल पहुंचने पर ऑस्ट्रियाई जो कलाकार थे, देखिए कलाकारों का जो अटैचमेंट पीएम मोदी के साथ है वो आपको हर कंट्री में हर जगह नजर आएगा जब वो पहुंचते हैं तो। और वहाँ के कलाकारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वंदे मातरम जो सॉन्ग है, जो गीत है, उसके साथ स्वागत किया। ऑस्ट्रिया पहुंचे पीएम मोदी से वहाँ के चांसलर कार्ल नेहमर ने मुलाकात की और उन्होंने पीएम मोदी के साथ सेल्फी को पोस्ट भी किया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वियना में आपका स्वागत है और जब बात ऑस्ट्रिया की होगी, ऑस्ट्रिया में आपका स्वागत करना खुशी और सम्मान की बात हमारे लिए। ऑस्ट्रिया और भारत मित्र और साझेदार भी हैं। मैं आपकी यात्रा के दौरान हमारी राजनीतिक और आर्थिक चर्चाओं की प्रतीक्षा कर रहा हूं। ऐसा 41 साल के बाद हो रहा है जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री ऑस्ट्रिया के दौरे पर पहुंचे हैं। इससे पहले पिछली यात्रा 1983 में हुई थी जब भारतीय पीएम के तौर पर इंदिरा गांधी ऑस्ट्रिया पहुंची थी और इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री रहते हुए सबसे पहले 1971 में ऑस्ट्रिया का दौरा किया था। इसके बाद 1980 में तत्कालीन ऑस्ट्रियाई चांसलर ब्रूनो किस्की ने भारत का दौरा किया था और इसके बाद 1983 में एक बार फिर इंदिरा गांधी ने ऑस्ट्रिया का दौरा किया और फिर फुल उसे फॉलो करते हुए 1984 में ऑस्ट्रिया के जो तत्कालीन चांसलर थे फ्रेड सिनोवॉज भारत का दौरा करते हैं। और ऑस्ट्रिया में पहुंचने वाले पहले प्रधानमंत्री की अगर बात की जाए तो 1949 में राजनयिक संबंध स्थापित होने के बाद जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो पीएम के तौर पर 1955 में ऑस्ट्रिया की यात्रा पर गए थे। भारत और ऑस्ट्रिया के बीच नेताओं, मंत्रियों और सांसदों के स्तर पर लगातार यात्राएं तो होती रहती है, लेकिन भारत की तरफ से प्रधानमंत्री के स्तर की ये तीसरी यात्रा है और अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण भी है। क्या है आपकी राय इस खबर पर, जरूर कमेंट के जरिए मेंशन कीजिएगा। तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ।